पंचायती राज मंत्री ने किया भारी बारिश से प्रभावित परिवारों को तत्काल मनरेगा से 1-1 लाख जारी करने का दावा। पंचायत बीडीसी व जिला परिषद की स्वीकृति से पहले ही सिंपल एप्लीकेशन पर काम शुरू करवाने की बात कही। केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ की सहायता की मांग करते हुए पीएम मोदी व अनुराग ठाकुर को सुनाए ताने। हाल ही में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य द्वारा की गई मांग के बाद 180 करोड़ की पहली किस्त जारी कर चुकी है केंद्र सरकार। भारी बारिश व भूस्खलन से करीब 4,000 करोड़ का नुकसान होने के बाद पूर्व सरकार द्वारा छोड़ा गया 75,000 करोड़ का कर्ज भुनाना भूले सुक्खू सरकार के मंत्री। बारिश से सूबे में मूलभूत सुविधाएं ठप होने के बाद फर्स्ट कैबिनेट में महिलाओं को 1,500 रुपए पेंशन व 1 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी पूरी करने के वादे भी नेपथ्य में। हिमाचल सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज भारी बारिश बाढ़ व भूस्खलन से प्रभावित ग्रामीण इलाकों के सभी परिवारों को मनरेगा व रोजगार गारंटी योजना के तहत तत्काल 1-1 लाख रुपए की राशि जारी करने की बात कही। नियमानुसार मनरेगा के तहत कोई भी काम सैंक्शन होने से पहले पंचायत बीडीसी व जिला परिषद की अप्रूवल की जरूरत रहती है, मगर मिनिस्टर के अनुसार इनकी मंजूरी अथवा सीमेंट सेक्शन होने में क्योंकि लंबा वक्त लग जाता है, इसलिए उनके विभाग अथवा सरकार ने सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म पर काम शुरू करवाने का फैसला लिया है। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से सूबे में बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 5,000 करोड़ की भारी भरकम राशि तत्काल स्वीकृत करने की भी मांग की। उक्त राशि स्वीकृत करने की मांग के साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर बारिश का दौर शुरू होने के 5वें दिन भी आर्थिक मदद मुहैया न करवाने के लिए तीखे तर्ज कसे। गौरतलब है कि 3 दिन पहले सूबे के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य भी केंद्र सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगा चुके हैं और जानकारी के अनुसार आज बारिश से हुए नुकसान के लिए केंद्र सरकार द्वारा 180 करोड़ की पहली किस्त जारी की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि उक्त राशि पीडब्ल्यूडी व जल शक्ति विभाग को बाढ़ व बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी गई है। गौरतलब है कि अपने पिछले 6 माह के कार्यकाल में बार बार पूर्व सरकार द्वारा 75,000 करोड़ का कर्जा छोड़े जाने का मुद्दा उठा रहे हिमाचल के मुख्यमंत्री व मंत्री बारिश से करीब 4,000 करोड़ का नुकसान होने के बाद उक्त कर्ज व सरकार का खजाना खाली होने संबंधी बयान जारी करना भूल चुके हैं। शनिवार को भारी बारिश का दौर शुरू होने से पहले तक जहां भाजपा व विपक्षी दल व सोशल मीडिया यूजर द्वारा कांग्रेस सरकार का फर्स्ट कैबिनेट में महिलाओं को 1,500 रुपए पेंशन व 1 लाख सरकारी नौकरियां देने की गारंटी का वादा प्रमुखता से उठाया जा रहा था, वहीं अब बारिश से सूबे में बिजली पानी सड़कें व दूरसंचार जैसी मूलभूत सुविधाएं ठप होने के बाद सत्ता पक्ष विपक्ष व जनता आधारभूत सुविधाएं बहाल करने को लेकर बात कर रहे हैं। बारिश के कारण जो पूरे प्रदेश में नुकसान हुआ है उसका अभी पूरा आकलन तो नहीं हो पाया है। अभी पानी जो है सबसाइड किया है, थोड़ा उसका लेवल नीचे गया है क्योंकि 2 दिन से अभी बारिश जो है वो बंद है, पानी नीचे गया है। तो अभी असली आकलन जो मैं समझता हूँ वो अभी आने को है, करीबन 1 हफ्ता लगेगा। आज ही सभी अधिकारियों के साथ बैठ के, हमारे सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी साहब उनके साथ बैठ के, डायरेक्टर साहब उनके साथ और सभी बीडीओस के साथ विस्तृत करके यहाँ पे एक हमने सैद्धांतिक फैसला लिया है कि मनरेगा में 1 लाख रुपए देने की हम लोगों ने निजी भूमि में, क्योंकि पहले निजी भूमि में अलाउड नहीं था इस परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि किसी का खेत गिरा है, किसी की सड़क गिरी है, किसी के आंगन गिरा है और किसी के डंगे जो है घर के पीछे आए हैं, कोई नुकसान हुआ है तो भरपाई करना उनका बहुत मुश्किल है प्राइवेट, उसके लिए जो है सरकार ने व्यवस्था करी है कि मनरेगा के थ्रू 1 लाख रुपए की राशि प्रति जो मनरेगा जो भी प्रति हाउस होल्ड जिसको बोलते हैं, हम लोगों ने देने का यहाँ पे फैसला किया। उसके बाद उसके लिए जो है डायरेक्टर रघुवीर ठाकुर जी ने जो नोटिफिकेशन भी आज जारी करी है, और क्योंकि उसमें मनरेगा की कोई स्कीम डालते हैं तो काफी समय लगता है, उसमें पहले ग्राम पंचायत से पास होगा, फिर बीडीसी के हाउस में जाएगा, फिर जिला परिषद में जाएगा, तो समय लगता है। तो इसमें हमने प्रावधान किया है कि बाद में जो है परमिशन आती रही, एक एप्लीकेशन केवल मात्र देने से जो है उनको परमिशन इमीजिएटली जो है दी जाएगी। और जो सीमेंट है, क्योंकि सीमेंट मनरेगा का जो सीमेंट है वो कई बार लेट हो जाता है, सिविल सप्लाई देती है, कई बार ऐसे हमारे पास रिपोर्ट्स आती है कि लेट हो जाता है, तो उनको हमने ये भी प्रावधान किया है कि वो ओपन मार्केट से खरीद के उसके बिल लगा सकते हैं, तो 60-40 का तो रेशियो वो है ही है, ताकि कुछ रिलीफ तो एटलीस्ट जो है ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मिल सके। सर देखिए, राजनीति एक बात ठीक है, राजनीति करने का समय आपदा में नहीं है कि राजनीति हम करें, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा अनुराग ठाकुर जी घूम ही जा रहे हैं, पहाड़ों में घूम रहे हैं, कोई बयान देने का अभी ले लद्दाख थे, मैंने सुबह देखा था, ले लद्दाख या कहीं अभी घूम रहे थे,
तो मैं समझता हूँ कि उनको प्रधानमंत्री जी से बात करनी चाहिए। अभी प्रधानमंत्री जी की ओर से कोई भी बयान जो है नहीं आया है हिमाचल के बारे में। उत्तरांचल की ज्यादा चिंता उनको है, हिमाचल की भी थोड़ी चिंता कर लें। इस तरफ भी थोड़ी अपनी दृष्टि वहां के प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं और यहाँ पे आपदा को देखते हुए डिजास्टर जो है घोषित करते हुए यहाँ पे कम से कम 5000 करोड़ का पैकेज जो है देने की घोषणा करें, तब हिमाचल वासियों की जो है यहाँ पे कुछ सुध लेंगे, सिर्फ ओवरी खाने से काम नहीं चलेगा, लोगों के साथ बुरे वक्त में खड़े होने से काम चलेगा।